मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लिप्स देख रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो कुछ टिप्पणी ना दूँ तो ज़्यादा बेटर। मैंने सबसे बेस्ट देखा है अंकिता और जो विक्की भाई के जो मम्मी आई थी उनकी जो क्लिप चल रही है और अलग अलग चीज़ें वही देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। और अभी कुछ फाइट हुई है उन दोनों की, बट मुझे दो तीन चार लोग जो जिनका गेम बेटर लग रहा है जो क्लिप्स के थ्रू बता रहा हूँ कि अंकिता, विक्की, अपना अभिषेक और मुनव्वर, जो शायद मुझे लगता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं इसीलिए। मतलब आई एम जस्ट सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लिप्स हियर एंड देयर, बट इतना शो फॉलो नहीं कर रही हूँ, पहले जैसा चार्म नहीं रहा उसका। जब हम पहले किसी भी डिनर टेबल पे बैठते थे, एवरीबडी यूज़ टॉक अबाउट बिग बॉस, लाइक इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन ऑफ द टेबल, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग। देयर हैव ऑलवेज बीन बिग नेम्स विद बिग बॉस, बट जैसे हम कहते हैं ना, शो हिट बनाते हैं वो लोग जो अंदर कुछ, यू नो, इफ दे कम अप विद समथिंग, समथिंग टू लर्न, समथिंग टू हेट, समथिंग टू लव। आई वॉजन अ बिगर नेम, देर वर मेनी बिगर नेम्स, बट या जो अच्छे से जवाब दे सकता है, आई गेस दैट वन विंस। तो लोगों को अभी जवाब देना शुरू करना पड़ेगा अंदर, ओनली देन दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने देखा नहीं है, बट आई वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर एवरीवन। मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं पता, मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैंने नहीं देखा, हाउ कैन आई से। You know, honestly, I feel like they've changed the format from what it originally was. That's what's making a big mess out of this show. Because people are just coming in and koi bhi aa raha hai, koi bhi ja raha hai, information de rahe hai. You know what I'm saying? So, people can keep changing their track. So, that is one. They constantly find this need ki sabko jhagda hi karna hai. Hamare season mein jhagda ke alawa, you know, we were actually shouted at ki hum log jhagda nahi kar rahe the. You know, and Salman was very proud of us, but the team was very unhappy. Now, jhagda ke alawa bhi entertainment ho sakta hai, yaar. There was whatever, there was flirting, there's love, there can be so many things, there were so many friendships. I and Tanna had like the most beautiful friendship. I had made friends with so many people, we're still in touch, all of us, we still meet. This is our 10th year, so we're gonna have a try and do a 10th year celebration with everyone. So I made like amazing friendships from this show. But beyond, I mean, for us, there were 10, 11 weeks where we did not fight. You know, and in our season, and I still get messages where people say we are re-watching your season because now it's very boring. You know, because how much will you watch fighting? You know, how much will you see screaming, shouting? Uske aage bhi kuch hai. You know, when people are screaming and shouting, humko samajh mein bhi nahi aata ki kya bol rahe hai TV pe. You know, so okay, मतलब का झगड़ा हो या चलो यार कॉम्पिटिशन हो रहा है, यू नो कम्पिटिटिव है हम लोग, तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, ओके ठीक है, लेकिन उसके आगे भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। ये तो सीजन, मतलब मुनव्वर का पर्सनल लाइफ के उधर चला गया, फिर अंकिता और उसका पति का कुछ दूसरा दुख की स्टोरी चल रहा है उनका, मतलब ये तो कुछ सास बहू टाइप सीरियल लग रहा है मुझे, यू नो, बहुत बोरिंग है। और उसके बीच में वो सिंगल मनारा फंसी हुई है, क्या ही हो रहा है, यू नो, इट्स लाइक आई फाइंड इट अननेसेसरी। वेयर इज द एंटरटेनमेंट, वेयर इज द फन इन द टास्क, वेयर इज द, यू नो, नन ऑफ दोस थिंग्स। लोग तो आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बाहर से, फायदा ही क्या है, यू नो, इट डजंट मेक सेंस, लाइक द फॉर्मेट ही चेंज हो गया, यू अंडरस्टैंड, एंड इट्स नॉट द कंटेस्टेंट्स फॉल्ट, इट्स द मेकर्स फॉल्ट। वेल, मैं तो अंकिता और अभिषेक को ही रूट कर रहा हूँ, आई थिंक दे आर टू कंटेस्टेंट्स ऑफ माई फेवरेट, एंड आई विश दोनों में से कोई भी जीते मेरे को बहुत खुशी होगी। मुनव्वर के बारे में क्या लगता है, जिस तरह गेम है, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई जी घर के अंदर, आई थिंक सो उसके मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। हर इंसान की एक एक अपनी निजी ज़िंदगी होती है, उसको नेशनल टेलीविजन में लाना हमको किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, तो मैं उनके लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। आई थिंक इट्स वाज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, आप गेम के प्रति बात कीजिए, किसकी पर्सनल लाइफ में क्या बाहर हो रहा है वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी है, तो आई थिंक सो गेम को गेम की तरह देखना चाहिए। जी
आई थिंक सी देखिए टू विश टू इज ओन आई थिंक जब आप उस घर में रहते हैं 24 घंटे तो आपके मुँह से 50 अच्छी बातें 50 बुरी बातें भी निकलती हैं. आप एक मुखौटा एक फसाद यू कांट पुट अ फसाद इन फ्रंट ऑफ द पीपल. तो आई थिंक अंकिता ने जो कहा वो जज्बातों पे कहा. आंटी उनकी बहू है तो आंटी को आई थिंक आंटी को उतना लोग ट्रोल कर रहे हैं. आई थिंक सम वेरी आई फील वेरी सॉरी फॉर हर पर बहुत स्वीट है वो. हम लोग को बहुत इंटरटेन किया उन्होंने बहुत मज़ा आया. तो मैं आशा करता हूँ उसको हम मजाक मस्ती की तरह ले तो वही बेटर होगा. वेल टॉप थ्री में मैं अंकिता को डेफिनेटली देखता हूँ एंड मैं अभिषेक को देखता हूँ एंड मैं मुनावर को देखता हूँ.